मैं तुम्हें एक जगह और एक्सपोज कर रहा हूँ चांदनी चौक के अंदर, बहुत ज़्यादा फेमस। और ये दुकान ऐसी है, छोटी सी, बिल्कुल गुरुद्वारे के जस्ट सामने है। और इस दुकान का नाम है श्री बालाजी चाट भंडार। और दुकान की खासियत ये है कि देखो ऊपर अंकल जी बैठते हैं, देखो श्री बालाजी चाट भंडार, और ऊपर ये जस्ट अंकल बैठते हैं। इसी के जस्ट नीचे एक और शॉप है जो आप शॉक्ड हो जाओगे देखकर। बिल्कुल जस्ट नीचे ये भैया जी बैठते हैं यहाँ शॉप के पास। एक बार हाय कहते हैं, जय श्री राम, कॉफी प्लेट, ठीक है। तो बालाजी की शॉप के नाम से बहुत फेमस शॉप है, और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है लोगों की। और आप देख सकते हो नाइट का व्यू है इस टाइम, और कस्टमर अच्छे खासे होते हैं। इनकी टाइमिंग क्या रहती है अंकल जी, आपकी टाइमिंग क्या रहती है? 11 सुबह 11 बजे से और रात को 11 बजे तक। ये देखो इनका ये कचालू का अचार अंकल जी, ये वाला देखो। और अंदर आइटम्स देख लो एक बार, ये मीठी सॉस हो गई इनकी, और ये आलू। और ये क्या है अंकल, लौंजी वड़ा? हेलो, ये क्या है आइटम आपका? कांजी वड़ा। कांजी वड़ा, और देखो सामने देखो आइटम देखो, इनकी अच्छी खासी आइटम है, बहुत फ्रेश आइटम है। पापड़ी चाट, अच्छी खासी भीड़ होती है भाई। और नीचे मैं दिखा देता हूँ, ये भैया जी की शॉप है। क्या नाम है आपका? तरुण कुमार। तरुण कुमार जी, कितने टाइम से लगा रखी है शॉप आपने? कम से कम मेरे ख्याल से 20-30 साल तो हो गए होंगे भाई। दुकान को 60 साल हो गए। दुकान को कितने साल? 160 साल। 160 साल हो गए शॉप को। अच्छा, काम को 100 साल हो गए। अच्छा, तो पहले भी मतलब जनरेशन चेंज होते, बंदे चेंज होते रहते हैं। तो ये कचौड़ी की सब्जी होगी आलू की आपकी, ठीक है। ये गर्म होती रहती है कचौड़ी, ऑलरेडी बनी होती है या बनती रहती है? घर से बन के आती है। और आइटम में कचौड़ी के अंदर ये अचार किस चीज का है? कचालू है जी। कचालू का अचार, कचालू है, धनिया मिर्च है। और ये पीछे सामने वो तो चाय हमारे लिए, तो चाय आपके लिए, ठीक है। अच्छी खासी भीड़ होती है, नीचे कचौड़ी है और ऊपर दही बल्ले है। और देखो भाई भीड़ देखो, इससे ज्यादा मैं क्या बोलता हूँ, सबूत होता है, जो दिखता है वो बिकता है। अच्छी खासी भीड़ है। तो मैं कुछ कस्टमर से रिव्यू लेके बताता हूँ। भैया कितने टाइम से खा रहे हो आप यहाँ पे? पहली बार फर्स्ट टाइम आए हो? तो ये देखो शॉप को देख कर ही आए होंगे, फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। तो देखो भाई मैंने आपको दिखा रहा हूँ, अरे डेकोरेशन देखो, देखो छोटी सी शॉप है, आप ये देखो कितना बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। श्री बालाजी चाट भंडार के नाम से, चांदनी चौक नियर, बिल्कुल जो ये गुरुद्वारा है, फेमस गुरुद्वारा है, नाम मैं शायद भूल गया इसका। इसके जस्ट सामने आप इधर से आओगे और ये सामने शॉप दिख जाएगी आपको, ठीक है। छोटे शॉप के अंदर अंकल जी ऊपर बैठते हैं, नीचे भैया बैठते हैं, ये देखो, ठीक है। ऊपर नीचे कचौड़ी, ऊपर आपकी दही बल्ले चाट वगैरह जो भी है। कुछ बंदे खा रहे हैं यहाँ पे, ब्रदर्स हैं अपने, तो उनसे पूछ लेते हैं कैसा आउटपुट है, एक बार पूछ लेते हैं। भैया कितने टाइम से खा रहे हो आप लोग? पहले भी खाया आपने शायद? आज ही आया, आज फर्स्ट टाइम खाया है। तो दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली से बाहर के हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा टेस्ट इनका? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, अच्छा। तो ये आप यहाँ पे क्या देख कर रुके हो जो यहाँ पे खाने पे मजबूर हुए आप? इंस्टाग्राम पे देखे थे किसी का है? इंस्टाग्राम पे देखे थे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपने रील वगैरह देखे तब आप यहाँ पे आए हो, और इसलिए खाना टेस्ट अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा। और कॉस्ट कैसी है? कॉस्ट रीजनेबल है या हाई है? रीजनेबल है, ठीक है भाई। देखो एक रिव्यू मैंने आपको लेके दिखाया बंदों का, लाइक सामने खा ही रहे हैं, और पॉजिटिव रिव्यू है, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है। अच्छी खासी भीड़ होती है देखो, तो नाइट का व्यू है, नाइट के टाइम पे भी देखो लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। तो वही कहते हैं ना, 100 साल पुरानी दुकान है, इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ये काम करते जा रहे हैं, और बंदे चेंज जाते हैं बट शॉप वही की वही है। भाई ये महेश बाबू की दुकान है, बल्ले पापड़ी और चाय, ठीक है, और गोलगप्पे वगैरह भी है, देख सकते हो। अच्छी खासी भीड़ होती है। और देखो ये पानी क्या है, इसका गोलगप्पे का पानी है? कांजी वड़ा है। और ये चटनी है, मीठी चटनी है। और ये बल्ले हो गए आपके, कांजी वड़ा है। अच्छा, और वो बल्ले सामने? हाँ, वो सामने। और ये पापड़ी हो गई आपकी। लेट आयो, सारा मामला खत्म। कोई बात नहीं। कितने बजे खुलती है आपकी शॉप? 1 बजे दोपहर में 1 बजे खुलती है, और शाम के टाइम कितने बजे तक? 8 बजे। शॉप किस नाम से है? श्री श्याम कांजी कॉर्नर। ठीक है, नियर बाय क्या पड़ता है इसका? नियर बाय गली के सामने है बिल्कुल। अच्छा, एक बार प्राइस दिखा देता हूँ भाई। नियर बाय पड़ेगा इनका हल्दीराम, और देखो इनका प्राइस जो है मेन्यू लगा हुआ सामने है। दही बल्ले है 40 रुपीज़, श्री श्याम जी कांजी कॉर्नर, ठीक है, बल्ले पापड़ी है 40, पापड़ी चाट और कांजी वड़ा
और भीड़ अच्छी खासी भीड़ होती है, देखो आप अच्छी खासी भीड़ है। और छोटा सा काउंटर है, ये अंकल जी बैठे हुए जी के अंदर, और यहीं से ये सब कुछ आइटम बन रहे हैं। आपने खाया यहाँ से? हाँ, मैंने भी खाया। टेस्ट कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत स्वाद। अच्छा टेस्ट है, चलो बहुत बढ़िया। अब जितना हो सके वायरल करो वीडियो को। भैया पहले भी खा चुके हैं आप यहाँ से? टेस्ट कैसा है इनका? भल्ले पापड़ी दे दो, पापड़ी एक्स्ट्रा मस्त टेस्ट है। रेटिंग क्या देना चाहोगे 10 में से? 10 में से 10 रेटिंग। देखो अच्छी खासी भीड़ है भाई, देखो क्या नाम है, काउंटर बेसक छोटा सा है बट भीड़ बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि इनका टेस्ट अल्टीमेट है इसलिए इनके पास इतनी भीड़ होती है, गैदरिंग होती है। ये क्या बनाया आपने अभी? पापड़ी चाट। पापड़ी चाट, पापड़ी चाट का प्राइस क्या बताया था आपने? 40 रुपीज़ है। देखो प्राइस भी कोई ज़्यादा ये नहीं है कि हाई फाई है, रिजनेबल प्राइस है। तो भाई आओ और ट्राई करो चांदनी चौक में, जो भी नियर बाय है और दिल्ली के अंदर जो भी रहते हैं चांदनी चौक में, यहाँ ज़रूर ट्राई करो। श्री श्याम जी कांजी कांजी कॉर्नर, ठीक है। हाँ जी अंकल जी, टेस्ट कैसा लगा? बढ़िया टेस्ट है जी। बढ़िया टेस्ट है। हाँ। कितने टाइम से खा रहे हो यहाँ पे? अरे तो यहाँ 30 साल हो गए। यहाँ पे 30 साल हो गए, 30 साल से यहीं खा रहे हो? तो इन्हीं की पापड़ी अच्छी ज़्यादा? हाँ जी, बढ़िया टेस्टी। बढ़िया टेस्टी है। तो 10 में से क्या नंबर देना चाहोगे इनको? 10/10। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग कितने टाइम से खा रहे हो आंटी जी यहाँ पे? पहले खाया है यहाँ पे आपने? फर्स्ट टाइम खाया। टेस्ट कैसा लगा इनका? अच्छा टेस्ट है। 10 में से क्या नंबर देना चाहोगे इनको? 8 दोगे? क्यों, कमी है क्या? 2 नंबर काट लिया आपने इनके? अच्छा थोड़ा बहुत कमी, लेडीज़ों को ज़्यादा पता होता है बेसिकली इन चाट वाट के बारे में। चलो फिर भी वैसे अच्छा टेस्ट है। चलो ठीक है भाई, वीडियो को शेयर करो, वायरल करो जितना हो सके, और कांजी श्री श्याम कांजी चाट कॉर्नर को जितना हो सके और ज़्यादा वायरल करो। इन्हीं के ऊपर जाओगे, देखो साइड में से निकल के जाओगे ना, ऊपर एक चाय कॉर्नर भी है, चाय कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हो। अंकल जी नाम क्या है आपका? महेश कुमार। तो ये चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह और जो भी स्नैक्स वगैरह है वो आप यहाँ से ले सकते हो। जस्ट शॉप के बगल में से जाओगे अंकल जी ऊपर मिलेंगे आपको, ठीक है।